सीलिंग को लेकर के, कहीं ना कहीं जनता तो परेशान है, जो शॉपकीपर है वो परेशान है, काफ़ी परेशान है कर्ज लेकर के, कैसे कैसे करके दुकान खोला उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और एमसीटी के बीच पिस रहे हैं। कोई तो रास्ता होगा जो तत्काल प्रभाव से असरदार हो। हम भी मानते हैं कि सब परेशान हैं और हमारे दिल में बहुत दर्द है, हमारी आँखों में आंसू भी है, उन परेशानियों को हम देख नहीं पा रहे हैं। उन्हीं परेशानियों को दूर करने तो हम ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास गए थे, तब तो आम आदमी पार्टी नहीं दिखी कहीं, क्यों नहीं गई? दिल्ली का दर्द अगर आम आदमी पार्टी को होता तो आज से डेढ़ महीना पहले जब भारतीय जनता पार्टी सबको बोल रही थी चलो मॉनिटरिंग कमेटी के पास, तब तो आम आदमी पार्टी नहीं गई। आज वो घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। जब इन दिल्ली को सीलिंग से बचाने के लिए नोटिफिकेशन लाने थे, सभी सड़कों को जो उसका कॉमर्शियल अधिकार था वो देना था, तब तो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज भी वो जब विधानसभा का सदन है निश्चित रूप से फिर कोई साजिश करेंगे। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के लोगों को तकलीफ में डाल रहा है, परेशानी में डाल रहा है, तो उस परेशानी के कारण को हटाया जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई रास्ता नहीं तत्काल प्रभाव? केंद्र सरकार के पास जो रास्ता है उसको, उस रास्ते को अपने बिना दिल्ली सरकार के सहयोग के वो कर रही है, और वो है मास्टर प्लान में अमेंडमेंट। वो मास्टर प्लान में अमेंडमेंट अपने अंतिम चरण में है, 2 तारीख से सुनवाई होगी, हमारी अमेंडमेंट प्रस्तुत होंगे, हम दिल्ली को परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें दुख है कि उसमें हमें दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, दिल्ली सरकार सिर्फ राजनीति करने में लगी। तब तक सीलिंग जारी रहेगी? हम तो मॉनिटरिंग कमेटी से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि सीलिंग को रोका जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वश में जितना है हम वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मॉनिटरिंग कमेटी का नहीं रुकना और प्रदेश सरकार का उनके पास न जाना इतने समय से, एक शंका तो पैदा करता है कि कहीं इसमें दिल्ली सरकार की मिलीभगत तो नहीं है। कई राजनीतिक फायदे उठाए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और कांग्रेस दोनों ये साजिश का खेल खेल रही है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों की जाँच होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं आज इशारा कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। बट जो स्थिति दिल्ली में बनाई गई है, और इस स्थिति में जो दूर से तमाशा देख रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक शंका तो खड़ी होती है, क्योंकि ये ऑल पार्टी मीटिंग भी तब बुलाते हैं जब इनको पता है कि अध्यक्ष राष्ट्रपति जी के साथ मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस में शामिल हो रहा है, तभी ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं। नीयत देखिए, जो व्यक्ति, जब हम रोज़ कह रहे हैं, साल भर से कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग करो, नहीं बोलते हैं। जैसे ही मैं राष्ट्रपति जी के साथ यात्रा पे निकलता हूँ तो राष्ट्रपति जी के साथ यात्रा तो जग जाहिर होती है, बस तुरंत कहते हैं कि अब आप आ जाओ। अब आप सोचिए कैसी साजिश है। तो ऐसी साजिश जो कर रहे हैं, दूसरी कारण भी साजिश का देखिए, दोनों मिलते हैं तब फिर मीडिया के कैमरे क्यों नहीं बुलाए जाते हैं? जब आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए मीडिया के कैमरे बुलाते हैं तो आप और कांग्रेस मिल करके जब मीटिंग करते हैं तब कैमरे कहाँ चले जाते हैं साहब? 10 लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि चूंकि ये सीलिंग का जो राक्षस है ये भी खड़ा किया था कांग्रेस ने 2006 में, और आज वापस इसको ला करके सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। ऐसी परेशानी जो जनता को दे करके राजनीति चमकाई जा रही है।